हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो एडजस्टमेंट लेयर में हमने अभी तक, ये रहे हमारे एडजस्टमेंट लेयर, हमारा अभी तक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट लेवल कर्व हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपोजर। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा पैनल खुल जाएगा। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, ये रेड ब्लू ग्रीन के ऊपर वर्क नहीं करता, यानी RGB के ऊपर वर्क नहीं करता, ये ऑल ओवर इमेज के ऊपर वर्क करता है। तो एक्सपोजर जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, मेनली जब हम यूज़ करते हैं, या तो हम डार्क बैकग्राउंड को या फिर डार्क इमेज को ब्राइट करने के लिए करते हैं, या फिर ब्राइट बैकग्राउंड या फिर ब्राइट इमेज को डार्क करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके नाम में ही एक्सपोजर है, तो आप समझ सकते हो कि ये कुछ इस तरह वर्क करता है। जैसे हम इसको नीचे लेके जाएंगे माइनस की तरफ, तो आप देखेंगे डार्क हो जाएगा, और जैसे हम इसको ब्राइट करना चाहें तो आप देखेंगे ये ब्राइट हो जाएगी इमेज। ओके, फिर इसमें आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ऑफ सेट का। तो जैसे आप इसको माइनस में लेके जाओगे, जितने भी डार्क पोर्शन होंगे इमेज में वो और डार्क हो जाएंगे, और जैसे आप प्लस में लेके जाओगे तो ये ब्राइट कर देगा इमेज के डार्क पोर्शन उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे गामा करेक्शन। तो ये क्या करता है कि आपकी इमेज को फेड करने का काम करता है, ठीक है। जैसे आप माइनस में लेके जाओगे तो आप देखेंगे फेड होती है इमेज, और जैसे आप इसको प्लस में लेके जाओगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट देता है। तो इसको आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ही ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे फिर से वही मिलते हैं, तीन आई ड्रॉपर मिलते हैं, ये ब्लैक पॉइंट को हिट करता है। जैसे आप यहाँ पे ब्राइट के ऊपर क्लिक कर दो, ब्राइट एरिया पे पूरा ब्लैक कर देगा। यहीं पर अगर आप डार्क पोर्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो इफेक्ट देगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है ग्रे स्केल, ओके ग्रे पॉइंट, तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट देता है। फिर अगला है वाइट वाला, वाइट पॉइंट, वाइट एरिया के ऊपर क्लिक करोगे ब्राइट करेगा, कंट्रोल जेड किया, डार्क एरिया के ऊपर क्लिक करोगे और ब्राइट कर देगा उस एरियाज, उन पॉइंट्स को। तो ये कुछ ऐसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं प्रीसेट्स जो आपको हर एक एडजस्टमेंट के लेयर में अभी तक मिले हैं, कर्व में, लेवल्स में। ओके, सबसे पहले आपके सामने ये है, तो यहाँ पे प्लस में टू पॉइंट है, माइनस है यहाँ पे, तो ये आप अपने आप देख सकते हैं। कस्टमाइज करना चाहें आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज वैसे हम नॉर्मली कस्टमाइज पे ही वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, आपको यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन ऑफ नहीं करना, आपको फिर भी ओरिजिनल इमेज देखनी है, तो आप इसको होल्ड करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे और होल्ड करोगे तो आपको ओरिजिनल इमेज दिख जाएगी, और आप जैसे ही छोड़ दोगे तो जो आपने इफेक्ट दिए वो लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे क्लिप इन मास्क का, कि इस इमेज पे आपको ये इफेक्ट देना है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर ये रीसेट का बटन है, रीसेट हो जाएगा आपने जो भी इफेक्ट दिए होंगे। तो ये था हमारा एक्सपोजर। ओके, तो एक्सपोजर में ज़्यादा कुछ था नहीं, मेनली मैंने आपको बता दिया कैसे यूज़ करते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर की तरफ बढ़ते हैं, एक्सपोजर को किया डिलीट, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी एडजस्टमेंट लेयर है वो है वाइब्रेंस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये क्या करता है, इमेज में वाइब्रेशंस पैदा करता है, ओके कलर्स में, ये कलर्स के ऊपर वर्क करता है। तो आप देखेंगे इसने इमेज को फेड कर दिया है, और जैसे आप यहाँ पे प्लस की साइड जाओगे तो आपके जो कलर्स हैं वो हाईलाइट होंगे, यानी और सैचुरेटेड हो जाएंगे और डार्क हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है सैचुरेशन का, जैसे आप इसको बढ़ाओगे कलर्स और डार्क हो जाएंगे, कम करोगे फेड हो जाएगा, दोनों को कर दोगे ब्लैक एंड वाइट हो गया, और दोनों को फुल कर दोगे, दोनों को 100% कर देंगे आप, तो आपकी जो इमेज है वो कलरफुल हो जाएगी, जो जितने भी डिटेल कलर्स हैं वो हाईलाइट होंगे। ओके, तो ये था हमारा वाइब्रेंस। तो मुझे उम्मीद है आपको वाइब्रेंस और एक्सपोजर यूज़ करना आ गया होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो इन्हीं दो एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो फोटोशॉप में, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।